बड़ी खबर लॉकडाउन के बीच दरभंगा के लहरियासराय से आ रही है, जहां सीआईटी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, लहरियासराय थाना का देख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लाया गया है और इस थाना में उन्हें बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इसका जो पूरा मामला है वो बताने जा रहे हैं। यदि आप सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आपको थाने की हवा खानी पड़ सकती है, होगा आप पर जुर्माना भी। आपको बता दें कि ये सभी लोगों को खड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमते हुए 19 लोगों को सीआईटी ने की पुलिस ने धर दबोचा, जिसे लहरियासराय थाना के हवाले कर दिया गया। मंगलवार को लॉकडाउन का उल्लंघन अनुपालन कराते हुए दरभंगा पुलिस ने काफ़ी सख्ती बढ़ा दिया है और बिना किसी वजह से सड़कों पर घूमने वाले लोगों को धरपकड़ कर दिया है। इसके लिए सीआईटी पुलिस के जवान दरभंगा शहर के विभिन्न प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों से गुजरते हैं। पुलिस गश्ती करने के क्रम में जो कोई भी लोग सड़क पर बिना किसी वजह के घूमते पकड़े जाते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस की बस में बिठाकर नज़दीकी थाना के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे ही 19 लोगों को लहरियासराय थाना इलाके के लोहिया चौक के पास से पकड़ लिया गया। इन सभी लोगों को बस में बिठाकर दरभंगा के लहरियासराय थाना के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में हमने लहरियासराय थाना अध्यक्ष एचएन सिंह का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, और यहाँ पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने क्या कहा है वो भी हम सुनाएंगे, और जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उन्होंने क्या कहा वो हम सुनाएंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी खबर देख सकते हैं आप। सब्सक्राइब और शेयर इस चैनल को करिएगा। तो आप फांसी थोड़े पाओगे, नाम बता लिखते हो समझ में आ खराब है, लेट हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर डाला। कहाँ से आ रहे थे? अपने घाट से आ रहे थे, घर मेरा ये बिल बाजार को। आपको पता है ना जो लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर सर लेट होने के कारण पकड़ा। जोर से बोले, किस जगह? जगह का नाम? जगह के नाम नहीं पता। फिर रुको, यहीं पे आदमा चौक पे। क्या काम के लिए आए थे? मतलब हॉस्पिटल में मम्मी बीमार है, तो वो बंद है, मेडिकल बंद है। क्या कहा गया, क्या करके बैठाएंगे? बोला 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसे बोला। लेकिन 2-3 घंटा हो गया सर, अभी तक नहीं छोड़ा। कौन थाना में लाएगा? पता नहीं सर, लहरियासराय थाना है। कौन थाना? लगातार रोड पर सीआईटी का टीम, थाना पुलिस उनके पदाधिकारी लगे हुए हैं। जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं रोड पर, बिना मास्क के चल रहे हैं या अनावश्यक घूम रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और इसी क्रम में आज 19 लोगों को पकड़ा गया है, और उन लोगों से पूछताछ करने के बाद जो भी फाइन चलान होगा मास्क का, उसे काटा जाएगा। क्या कुछ प्रक्रिया फाइन का चल? प्रक्रिया लोगों को पूछताछ करके पूछताछ करने किया जाएगा कि वो लोग किस काम के लिए निकले थे, क्यों निकले थे। अगर जरूर पड़ेगा तो उनके पास किसी के पास किसी मास्क नहीं है, उसका मास्क चलान कटेगा। जो अगर लगेगा कि नहीं अनावश्यक रूप से लॉकडाउन को उल्लंघन करें, उनको कार्रवाई। मास्क का कितना फाइन? मास्क पर फाइन 50 रुपया फाइन कटता है।